नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर और कल परसों से मुझे बहुत सारे कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि सर मुझे खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, तो कहीं ये कोरोना के लक्षण तो नहीं। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आप प्लीज बताएं कि मैं क्या करूं। तो उन्हीं सारे कमेंट्स के कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपको अब सर्दी, फ्लू और चाइनीज वायरस कोरोना के लक्षणों में क्या अंतर है ये बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको फिर भी कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, जहां मैं खुद आपके सभी कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। बुखार, शरीर में दर्द और खांसी, ये सभी लक्षण सीजनल सर्दी, फ्लू और कोरोना वायरस में ऑलमोस्ट सेम ही देखे जाते हैं। ऐसे में किसी भी इंसान का डर स्वाभाविक है। तो मैं आपको अब एक एक लक्षण ठीक से समझाता हूं कि कैसे इन तीनों तकलीफों में ये एक लक्षण एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो सबसे कॉमन लक्षण जो है वह है खांसी यानी कफिंग। आपको एक नॉर्मल जुकाम में खांसी बहुत कम बार देखने को मिलेगी और खांसी हो तो ये कफ के साथ होती है यानी विथ बलगम खांसी होती है। फ्लू में ये खांसी वाला लक्षण जो है ये काफी कॉमन है, लेकिन खांसी की इंटेंसिटी जो है वो फ्लू में काफी कम होती है। वही कोरोना में सूखी खांसी ज्यादा होती है और इसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा है। दूसरा लक्षण है बुखार। नॉर्मल जुकाम में बुखार कभी कभार देखने को मिलता है और हो तो फिर भी वो लो डिग्री वाला बुखार होता है। फ्लू में बुखार एक कॉमन सिम्टम है, लेकिन इसकी तीव्रता एक जैसी होती है यानी हाई ग्रेड होता है। कोरोना में तीव्र क्षमता वाला बुखार आता है जो पहले कम और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तीसरा लक्षण है सांस लेने में कठिनाई या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नॉर्मल जुकाम और फ्लू में ये लक्षण बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन ये कोरोना का एक मेजर लक्षण माना जा रहा है। चौथा लक्षण है बहती हुई नाक और बार बार छींके आना। नॉर्मल सीजनल जुकाम में ये दोनों लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं और फ्लू में भी ये लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन कोरोना में ये लक्षण बहुत ही रेयरली और ना के बराबर ही होते हैं। दोस्तों, सूखी खांसी, तेज बुखार, जॉइंट पेन और सांस लेने में कठिनाई, ये कोरोना के लक्षण समूह है। लेकिन ये लक्षण होने पर भी बहुत सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। जो लोग डायबिटीज, एनीमिया या फिर इम्यूनिटी के किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो अपनी जो डायबिटीज आदि की दवाइयां है वो आप वक्त पे लीजिए और घर में ही सेफ रहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को बिना वजह के डर से बचाना है। कोरोना का फैलाव हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं और इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या इससे मरने वाले लोगों की संख्या से कई गुना ज्यादा है। आपके मन में किसी प्रकार का डर है, आपको या आपके जानने वालों में से किसी को भी कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत सरकारी अस्पताल से संपर्क करें या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से बात करें। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल और इमरजेंसी सर्विसेज वाले कई सारे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस काम में जुड़े हुए हैं। ऐसे में हमारा एक कर्तव्य है कि इस आपातकाल में हम सरकारी नियमों का पालन करें और उन्हें हेल्प करें, ना कि छोटी मोटी बातों के लिए रास्ते पे निकले और उनकी टेंशन और बढ़ाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।